ओके बच्चों गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन क्लास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर फिफ्टीन और जैसा कि डिसाइडेड है पहले से सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी ठीक है ओके okay, तो हम लोग ओके okay. ये कौन बच्चे हैं पुष्कर आनंद ओके okay. तो हम लोगों को शुरू करना आज चैप्टर फिफ्टीन चैप्टर फिफ्टीन और ये स्टेट का टॉपिक है बच्चों आपका और चैप्टर फिफ्टीन से हर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल पंद्रह क्वेश्चन आता है चैप्टर फोर्टीन जैसे बहुत सिंपल चैप्टर है तो मिला दोगे तो चैप्टर फोर्टीन फिफ्टीन से बीस क्वेश्चन आधा स्टेट तो आपका ये हो जाता है तो चलो देखो चैप्टर फिफ्टीन में क्या है अगर आप के पास यूनी वेरिएट डेटा है मतलब कोई वेरिएबल मान लो एक्स एक्स सिंगल वेरिएबल है एक्स ये वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है हाइट हो गया वेट हो गया एज हो गया इनकम मार्क्स एक्सेट्रा कोई भी वेरिएबल है तो मान लो एक ग्रुप है ये कोई ग्रुप है इस ग्रुप में मान लो एन इंडिविजुअल है एन इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल के ऊपर ये वेरिएबल जिसको आपने ऑब्जर्व किया रिकॉर्ड किया जिसको आपने ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया तो वो कहलाता है स्टेटिकल डेटा ठीक है इस ग्रुप के ऊपर सभी इंडिविजुअल के लिए इस वेरिएबल को आप ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड करो तो आपको मिल गया स्टैटिकल डेटा ठीक है तो आपको जो स्टैटिकल डेटा मिला हाइट के ऊपर वेट के ऊपर एज के ऊपर किसी भी के ऊपर स्टैटिकल डेटा तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दिफ इज कॉल्ड स्टैटिकल डेटा ठीक है अब साउंड ठीक हो गया होगा स्टैटिकल डेटा जो तीन रूप में होता है जो तीन रूप में होता है स्टैटिकल डेटा जो तीन रूप में होता है एक होता है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यू सीरीज मैंने क्या कहा एक ग्रुप है जिसमें एन इंडिविजुअल है उस ग्रुप के ऊपर सिंगल वेरिएबल एक्स यूनिवेरियल डेटा एक्स को आपने ऑब्जर्व किया रिकॉर्ड कर लिया तो आपको मिला स्टेटिकल डेटा जो तीन रूप में होता है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कॉन्टीन्यू सीरीज और इसी डेटा का हमें क्या करना है एनालिसिस इस डेटा के ऊपर बच्चों हमें क्या करना है हमें करना होता है एनालिसिस इसका क्या करना है एनालिसिस मतलब इस डेटा के ऊपर इन डेप्थ इन डेप्थ स्टडी एनालिसिस करना होता है जो एनालिसिस दो तरह का होता है यह एनालिसिस दो तरह का होता है यूनिट वन चैप्टर फिफ्टीन का यूनिट वन दिस इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकेंड इज यूनिट टू दिस इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इसी को हम क्या बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएशन या स्केटरनेस ये दो टॉपिक है ठीक है तो कुछ मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया ग्रुप है ग्रुप में एन इंडिविजुअल है ग्रुप में इंडिविजुअल है इन in इंडिविजुअल्स के ऊपर आपने कोई सिंगल वेरिएबल एक्स है हाइट वेट एज प्रॉफिट मार्क्स इन सब को ऑब्जर्व किया रिकॉर्ड किया तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिकल डेटा जो क्या होता है यूनिवेरिट होता है एक वेरिएबल होता है एक वेरिएबल होता, होता है सिर्फ एक्स जो तीन रूप में होता है इंडिविजुअल डिस्क्रीट डिस्किट कंटिन्यूसली होता है इसके ऊपर हमें फर्दर स्टडी करना होता है दैट इज कॉल्ड एनालिसिस जिसको दो भाग में हम लोग बाईफर्केट करके स्टडी करेंगे एनालिसिस करेंगे फर्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ एवरेजेज पहले हम लोग इसी चीज का स्टडी करेंगे मेजर्स ऑफ एवरेजेज डिस पर्सन का हम लोग बाद में देखेंगे मेजर्स ऑफ एवरेजेज तो देखो बच्चे एवरेज दो तरह का होता है एवरेज दो तरह का होता है वन इज कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेज वन इज कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेज एंड अदर इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज अदर इज कॉल्ड पोजिशनल या या लोकेशनल पोजिशनल या लोकेशनल एवरेज मैथमेटिकल एवरेज पोजिशनल या लोकेशनल एवरेज मैथमेटिकल एवरेज में क्या आता है तीन नाम आता है एम जी एम और HM. सभी को मालूम होगा फुल फॉर्म मैं नहीं लिखूंगा ठीक है एम जी एम एच एम इन एवरेज का क्या मतलब होता है ये जो एवरेज होता है ये क्या होता है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज एंड नॉट एंड नॉट कैलकुलेटेड ग्राफिकली ये तीनों का तीनों एवरेज के बारे में बोल रहा हूं ए एम जी एम एच एम को निकालने के लिए सभी वैल्यू चाहिए एक भी वैल्यू अगर नहीं है मिसिंग है तो आंसर नहीं निकलेगा बेस्ट ऑन ऑल वैल्यूज एंड एंड नॉट कैलकुलेटेड ग्राफिकली ये किसी ग्राफ से नहीं निकलता है मतलब ये मैथमेटिकल एवरेज है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही निकलेगा बट जो पोजिशनल एवरेज है पोजिशनल एवरेज है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखो मीडियन क्वार्टाइल्स डेसाइल्स परसेंटाइल्स और मोड ये सब कहलाता है पोजिशनल एवरेज ठीक है इसके क्या खासियत होते हैं तो इसके खासियत होते हैं ठीक है इसके क्या खासियत होते हैं नॉट वैल्यू के ऊपर मीडियन है ना तो मीडियन है तो एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सट्रीम वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन पे दिया हो नहीं दिया हो तब भी निकल जाएगा दोनों केस में निकलता है एक्सट्रीम वैल्यू दिया हो तभी निकलेगा मीडियन नहीं दिया तभी निकल जाएगा तो नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज एंड and and calculated and calculated graphically ये सब चीज graphically calculate भी होता है calculated graphically और आपको याद होगा median quartile decile percentile ये सब किस ग्राफ से निकलता है तो ये सब निकलता है किस ग्राफ से ओजाइब से और स्पेशली बोले तो कौन सा ओजाइब स्पेशली बोले तो लेस देन, देन से निकलता है इस ग्राफ से निकलता है लेफ्ट देन ओजैब याद होगा आपको इस टाइप का सेप होता है लेफ्ट देन ओजाइब अगर हम बात करेंगे ये क्या होता है क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी और इधर क्या होता है एक्स एक्स मतलब वेरिएबल एक्स को और हम क्या बोलते हैं एफ और ये जो वाई एक्सिस है जिसपे क्यूमलेटि फ्रिक्वेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट तो ये सब ग्राफ से निकलता है और किस ग्राफ से निकलता है ओजाइब से स्पेशली कौन सा ओजाइब लेफ्ट कोई पूछा आपसे बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एन बाई टू के करस्पॉन्डिंग एन बाई टू के करस्पॉन्डिंग इन लेफ्टन ओजाइब ये क्या है इन लेफ्टन ओजाइब में ठीक है

बताओ क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी सिक्स एन बाई टेन के क्रस्पॉन्डिंग जो एफसीसा होगा इस एफसीसा को हम क्या बोलेंगे तो क्या कहोगे टेन है नीचे में टेन है टेन का मतलब है डी एसाइल डेसाइल डेसाइल मतलब डी और यहाँ पर सिक्स है ऊपर तो क्या मिलेगा डी सिक्स छठा डेसाइल तो ये सब ग्राफ से निकलता है स्पेशली लेफ्टन ओजैब से निकलता है ग्राफ का नाम हो गया ओजाइब स्पेशली लेफ्टन ओजाइब और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो ना तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है जो मैंने आपको अभी ग्राफिकली बताया ओके okay. बात बाकी मॉड की जहां तक बात है तो मॉड किस ग्राफ से निकलता है तो मॉड इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली फ्रॉम हिस्टोग्राम जो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम होता है इधर एक्स होता है इधर फ्रीक्वेंसी होता है एक हिस्टोग्राम है ये एक हिस्टोग्राम है मान लो एक सबसे बड़ा हिस्टोग्राम ये है दूसरा ये है तीसरा ये है तो जो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम है इस कॉर्नर को इससे मिलाएंगे इस कॉर्नर को हम इससे मिलाएंगे और इसके नीचे आएंगे यहाँ का जो x होगा वही क्या होता है मॉड होता है तो मॉड ग्राफिकली हिस्टोग्राम से निकलता है और कैसे निकलता है तो ये बात आप ये देख लीजिए विश्वास करो अभी जो मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड सिर्फ इससे रिलेटेड कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम में सिर्फ इससे रिलेटेड दस बार क्वेश्चन और इन फ्यूचर भी आ सकता है क्वेश्चन बिल्कुल तो एक थोड़कल बात हो गया अब हम लोग शुरू करेंगे इसमें इसी ऑर्डर में शुरू करेंगे ठीक है जैसे मैं आपने पढ़ा होगा उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे ए एम जी एम एच एम तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग इसमें जो भी करेंगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन में क्या करेंगे कैलकुलेशन ठीक है दूसरा क्या करेंगे उसका प्रॉपर्टीज तीसरा कुछ उसके बीच में रिलेशन होंगे और लास्ट उसका यूज किसी भी चीज का जैसे एथमेटिक मीन है तो कैलकुलेशन उसका प्रॉपर्टीज उसके रिलेशन किसी और के साथ और उसका क्या क्या यूज है तो ये हमें इस तरह से बच्चों पढ़ाई करना है तो बताओ सबसे फर्स्ट आपका ए एम एथमेटिक मीन एथमेटिक मीन के बारे में आप क्या समझते हैं इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं मीन फुल क्या इसका? AM, है इसका ए एम एथमेटिक मीन फुल फॉर्म है तो उसका मतलब ही वही मीन होता है ये होता है अगर हम बात करें इसके कैलकुलेशन का तो मैंने आपको बताया था अगर सीरीज इंडिविजुअल हो अगर सीरीज इंडिविजुअल हो तो दो फार्मूला बताया था एक बताया था डायरेक्ट क्या सबको जोर के एन से डिवाइड डिस्क्रीट सीरीज है तो यहां भी आपको मैंने फार्मूला बताया था क्या कि सिगमा एफेक्स सबका जोर सबका जोर अब कितना एन जहां यहां पर n का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का जोड़ और अगर आपके सामने कंटीन्यूअस सीरीज है तो यहां पर मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा f m n n का मतलब यहां भी फ्रीक्वेंसी का जोड़ होता है देखो यह है आपका डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड मीन का क्या डेफिनेशन भाई सबका जोड़ n यह वही चीज है सबका जोड़ n जहां फ्रीक्वेंसी होगा वहां पर n का मतलब उसका समेशन होगा लेकिन मैंने क्या कहा था इंडिविजुअल में इस केस में इंडिविजुअल में एक फार्मूला ये है दूसरा फार्मूला एक और आपको याद रखना चाहिए एज्यूम मीन वाला कि मीन का फॉर्मूला क्या होगा तो मीन प्लस सिग्मा डी बाई एन यहाँ भी आप कर सकते हो यहाँ भी कर सकते हो लेकिन इसका इधर यूज नहीं है ये सब एग्जाम में आने वाला नहीं है ठीक है ये बात एकदम कन्फर्म है ठीक तो यहाँ पर आप कैसे यूज करोगे ए तो का मतलब क्या है यहां पर ए का मतलब है एजूम्ड मीन और डी का मतलब क्या है जितने भी X है, सब में से में कर दोगे वो मतलब है ठीक है तो मीन का कैलकुलेशन आपको आता होगा फिर भी मैं यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं कोई पूछा मान लो फाइंड एथमेटिक मीन ऑफ और कुछ नया एग्जाम्पल में बता रहा हूँ वन टू थ्री फोर कहाँ तक मान लो पचास तक तो बताओ बच्चे एक से लेके पचास तक का मीन क्या होगा तो मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सा सीरीज है इंडिविजुअल सिर्फ एक्स दिया है सिर्फ एक्स दिया है ये एक्स क्या हो गया वन टू थ्री फोर कहाँ तक पचास तक एक से पचास तक क्या है खाली मीन है अब हमें सॉरी एक्स है खाली एक्स है अब हमें मीन चाहिए तो ये इंडिविजुअल सीरीज फार्मूला होगा सिग्मा एक्स बाय सब का जोर बाय बताओ नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ नेचुरल नंबर है तो सिग्मा एक्स जोड़ने का फार्मूला क्या होता है ये होता है एन एन प्लस वन बाई टू तो बताओ यहाँ पर एक से लेके पचास तक का जोड़ क्या होगा तो पचास पचास प्लस वन बाई टू ये हो गया सिग्मा एक्स और डिवाइड में एन पहले से डिवाइड में एन पहले से पचास फिफ्टी वन बाई टू इक्यावन बटा दो फिफ्टी वन बाई टू इक्यावन बटा दो पच्चीस पॉइंट पाँच ये आपका मीन आ गया ये कहला था मीन इंडिविजुअल सीरीज का अगर कभी कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे ठीक है क्वेश्चन दे दे फाइंड एक्स बार इफ एग्जाम्पल देखते जाओ एक्स माइनस टेन इक्वल टू माइनस सिक्स बस फोर फोर ठीक है फाइव ऑब्जर्वेशंस फाइव तो इस क्वेश्चन को देख के आप क्या समझोगे इसको देखोगे आप क्या कहोगे कि एक्स में से माइनस किया गया है टेन ये तो डेविएशन है ये तो डेविएशन है एक्स का डिफरेंस है इसको देख के आप क्या कहोगे यहां पर एजू मीन कितना है टेन x में से 10 माइनस करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं d इसको d बोलते हैं इसका मतलब ये चीज क्या है सिग्मा d बराबर में कितना है माइनस सिक्स तो ये एजू मीन हो गया ठीक है x में से हम 10 माइनस करेंगे एजू मीन तो क्या बोलते हैं इसको d बोलते हैं ये हो गया सिग्मा d इक्वल टू माइनस सिक्स तो बताओ बच्चे अगर आपको मीन चाहिए तो अब ये सब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे एजू मीन वाला ये भी क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का ही है फार्मूला अप्लाई कर दोगे ऐसे फार्मूला अप्लाई कर दोगे बराबर दस प्लस सिग्मा डी कितना माइनस सिक्स और एट पॉइंट एट आपका ये मीन आ गया तो मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का दोनों एग्जाम्पल बता दिया डायरेक्ट वाला भी और ये भी और एग्जाम्पल देखो कोई पूछ ले आपसे बताओ एथमेटिक मीन ऑफ़ ये ध्यान से देखना एथमेटिक मीन ऑफ अब मैं आज कुछ खास क्वेश्चन बताऊंगा आपको वन लेकिन रिवीजन ही हो रहा है वन टू थ्री कहाँ तक अप टू एन और बताओ बच्चे फ्रीक्वेंसी क्या वन टू थ्री अप टू एन तो चलो जो ट्राई करना चाहो ट्राई कर, सक, कर सकते हो बताओ ये कौन सा सीरीज है ये डिस्क्रीट सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज है तो बताओ बच्चे डिस्क्रीट सीरीज का मीन क्या होगा यह है एक से लेके एन तक अब फ्रीक्वेंसी कितना है एक से लेके एन तक अब ये आपका देखोगे तो डिस्क्रीट सीरीज है पहचान तो सबको पता ही होगा डिस्क्रीट सीरीज का डिस्क्रीट सीरीज का पहचान तो पता ही होगा डिस्क्रीट सीरीज डी आई एस होगा ऊपर मैंने शायद हाँ ठीक ही लिखा ठीक लिखा है ओके okay, डिस्क्रीट सीरीज तो बताओ कैसे निकालोगे आंसर कोई निकालना चाहे तो निकाल के देखो इसमें तो काफी ओल्ड स्टूडेंट सब भी है नहीं काफी टाइम से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो ट्राई करो बच्चे फार्मूला क्या लगाओगे फार्मूला लगाओगे मीन निकालने का सिग्मा एफ एक्स बाय एन जहां एन का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी का जोर तो कोई बच्चे निकालना चाहे तो निकालो क्या होगा आंसर ट्राई करना ओके ट्राई करो बच्चों n होगा प्रेम ने क्या कहा n होगा प्रेम का आंसर है कि n होगा प्रेम कुमार क्यूडी से रिलेटेड कांसेप्ट समझ दो सर अच्छा क्यूडी से रिलेटेड ईक्यूडी क्या होता है क्वार्टाइल डिवीशन तभी तो डिवीजन चल रहा है ना सारा होगा प्रेम कुमार मैं पहले वाला आपका चैट देख रहा हूँ ठीक है साउंड अब सही आ रहा होगा ना साउंड सबको सही आ रहा है और ओके okay, तो कोई दिक्कत नहीं है एक आंसर प्रेम कुमार ने बोला प्रेम ने बोला एन होगा बाकी लोग बताओ बच्चों क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करो सिग्मा एफ एक्स वन इंटू वन वन स्क्वायर सिग्मा मतलब प्लस एफ एक्स टू इंटू टू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री थ्री स्क्वायर सिग्मा मतलब प्लस मल्टीप्लाई करते जाओ कहाँ तक n इंटू एन एन स्क्वायर नीचे बताओ नीचे n का मतलब क्या है n का मतलब फ्रीक्वेंसी का जोर फ्रीक्वेंसी क्या है वन प्लस टू प्लस थ्री इसका आंसर है अब मुझे याद करके बताओ सभी बच्चे बताओ स्क्वायर का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर बताओ स्क्वायर का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है n n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स डिवाइड में क्या होगा नेचुरल नंबर का जोर याद करो ए में ये रिजल्ट है ठीक है ए में रिजल्ट है नीचे का फॉर्मूला क्या होगा एन एन प्लस वन बाई टू देखो बच्चे ये कट गया इससे ये कट गया इससे और ये टू से कट जाएगा सिक्स थ्री तो आंसर क्या होगा टू एन प्लस वन डिवाइड में थ्री ये इसका आंसर है और ऐसा आंसर मुझे अनुष्का आहूजा ने बताया है और किसी ने और किसी ने नहीं बताया है और किसी ने नहीं बताया है टू एन प्लस वन हिमांशु अग्रवाल का भी आंसर लगभग सही है बट हिमांशु ने नीचे में टू लिखा था तो हिमांशु चेक कर लो नीचे में टू नहीं नीचे में क्या आएगा थ्री आएगा दिफीदा आंसर ठीक है दिफीद आंसर तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है बट क्या पता कभी आ जाए डिस्क्रिट सीरीज तो है तो इस हिसाब से हम लोग आंसर निकालेंगे ठीक है तो कुछ नया क्वेश्चन करोगे कर तो अच्छा रहेगा बाकी रिविजन भी हो रहा है फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं कॉन्सल्ट बता रहा हूँ मैं लेकिन क्वेश्चन नया हो तो अच्छी बात है ठीक है ओके okay, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और एग्जाम्पल अगला बताते हैं डिस्क्रिट सीरीज के बाद का क्या बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज ओके तो अब देखो ये आप बताओ फाइंड एर्थमेटिक मीन ऑफ एर्थमेटिक मीन निकालना है आपको और ये कौन सा सीरीज है तो ऐसे देख लेते हैं ग्रुपिंग करना ना, है ना कंटिन्यूस सीरीज है दस से बीस ठीक है बीस से चालीस चालीस से पचास और ये फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी मान लो कितना है पाँच तीन दो तो हमें इसका एर्थमेटिक मीन निकालना है और ये आपका ठीक है तुषार मरवाली ने भी आंसर बता दिया है सही है ओके okay. तो देखो ये हमें मीन चाहिए सबसे पहले बताओ एन बराबर क्या होगा जहां भी फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का जो एन होता है तो एन बराबर हो गया टेन कोई दिक्कत नहीं है इसमें? एन टेन. अब हमें क्या करना है देखो दस और बीस के बीच में दस और बीस के बीच में पांच वैल्यू है पांच वैल्यू है पहला वैल्यू क्या है दूसरा क्या है तीसरा क्या है हमें नहीं दिख रहा है तो इसमें एक एजम्सन है एजम्पन क्या है कि इसका हम लोग क्या निकालते हैं मिड वैल्यूज क्या निकालते हैं मिड वैल्यू क्लास मार्क क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं मिड वैल्यू या क्लास मार्क मिड वैल्यू या क्लास मार्क बोलते हैं ध्यान सुनो ध्यान से सुनना एकदम दस और बीस के बीच में पांच वैल्यू है पहला कितना दूसरा कितना तीसरा कितना हमें हाँ नहीं दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा होगा तो लोगों ने एजूम कर लिया कि इसका मीड वैल्यू कितना है दोनों को जोड़ो दस प्लस बीस तीस दो से डिवाइड करो पंद्रह लोगों ने क्या एजूम कर लिया कि पहला भी पंद्रह दूसरा भी पंद्रह तीसरा भी पंद्रह चौथा भी पंद्रह पाँचवा भी पंद्रह इसीलिए उन सब का जोड़ क्या होगा तो एफ इंटू एम कर दो मल्टीप्लाई कर दो पंद्रह को जोड़ दो पाँच बार पंद्रह को पाँच बार जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो पचहत्तर आएगा इसीलिए फॉर्मूला में एफ इंटू एम आया उसका जोड़ आ गया जम्सन लिया गया बात समझो इसका मिड वैल्यू कितना होगा इसका मिड वैल्यू होगा तीस पहला भी तीस दूसरा भी तीस तीसरा भी तीस तो जोर कितना होगा नाइन्टी यहाँ मिड वैल्यू कितना होगा नब्बे का आधा पैंतालीस दो वैल्यू है पहला पैंतालीस दूसरा पैंतालीस जोर कितना होगा नब्बे ये मिला सिगमा एफ इंटू एम इसका जोड़ कितना नब्बे नब्बे एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी प्लस पचहत्तर दो सौ पचपन दो सौ पचपन मिला सिगमा एफ एम तो बताओ कंटिन्यूसरीज ये कौन सा सीरीज है देखते ही पता चला ये कंटिन्यूस सीरीज है तो फार्मूला क्या होता है सिगमा एफ एम बाई एन दो सौ पचपन डिवाइड में दस आंसर मिला पच्चीस पॉइंट पाँच बिल्कुल सही है बहुत लोगों ने आंसर बताया बाईस पॉइंट पाँच नहीं पच्चीस पॉइंट पाँच ये आंसर मिल गया पच्चीस पॉइंट पाँच हर्ष तुलसीन ने सही निकाला है अनुष्का उसका ने भी सही निकाल दिया आंसर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन तो बन गया लेकिन बताओ बच्चों इसमें आपने एजम्सन क्या लिया आपने यहां पर एजम्पन क्या लिया ठीक है ये एजम्सन क्या लिया ये कौन सा सीरीज इसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो एन इन ग्रुप्ड एन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज इट इज एज्यूम्ड दैट आपका मर्जी आप लिखना चाहो तो आप लिखो नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है सब कुछ तो आपने पहले किया हुआ बुक में लिखा हुआ सब कुछ इट इज एज्यूम दैट इज वैल्यू इज वैल्यू ऑफ ए क्लास ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू इक्वल टू के बाद क्या है डैश बताओ डैश पे क्या आएगा मैं ऑप्शन दू मैं फैसन देता हूं इज इक्वल टू दैस क्लास फ्रीक्वेंसी ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है बट कभी भी आ सकता है अभी जो आपने एग्जाम्स लिया क्लास फ्रीक्वेंसी बताओ क्लास मार्क लोअर लिमिट ऑफ क्लास लोअर लिमिट ऑफ क्लास या यार राइटिंग नहीं बन रहा अच्छा तो कोई बात नहीं अपर लिमिट ऑफ क्लास अपर लिमिट ऑफ क्लास बताओ कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों बताओ <coughs> क्या लिखा मैंने इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अज्यूम दैट इट्स वैल्यू ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू क्या क्लास फ्रीक्वेंसी या क्लास मार्क या लोअर लिमिट या अपर लिमिट रिप्लाई करो बच्चों अभी-अभी आपने जो क्वेश्चन निकाला है इसमें आपने जो अजंपशन लिया है उस हिसाब से रिप्लाई करो बिल्कुल सही क्या आ गया अनुष्का होजा रोहित शर्मा अमित कुमार किशन कुमार अक्षित नारंग मोहम्मद अनास प्रेम कुमार किसी का गलत तो है ही नहीं सबका सही है सबका सही है क्या जमशन लिया हम लोगों ने कि ये क्लास मिड वैल्यू के इक्वल होता है क्लास मार के इक्वल होता है तो देखो बच्चे ये आपका कैलकुलेशन हो गया एर्थमैटिक मीन का कैलकुलेशन हो गया हर एक सीरीज में अब हम बात क्या करेंगे प्रॉपर्टीज हम लोग बच्चे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ठीक है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट फर्स्ट क्या अगर ऑल वैल्यूज आर इक्वल अगर सब वैल्यू इक्वल है अगर सभी वैल्यू इक्वल है सभी वैल्यू अगर इक्वल है तो कोई सा भी एवरेज कोई सा भी एवरेज दस ही होगा मीन दस मीडियम दस ये प्रॉपर्टी किसका है सबका है सभी एवरेज का प्रॉपर्टी है एम का भी जीएम का भी एच HM एम का भी मॉड का भी मीन का भी मीडियन का भी सब का। कहने का मतलब यह हुआ, सब दस के इक्वल इफ ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू के कोई कॉन्स्टेंट है देन एवरेज मतलब मीन मीडियन मॉड सब दस के इक्वल होगा सब दस ही होगा तो ये पहला प्रॉपर्टी वैसे मीन का प्रॉपर्टी है हम लोग प्रॉपर्टी किसका करने जा रहे हैं एर्थमेटिक मीन का बट पहला प्रॉपर्टी खाली मीन का नहीं है ये सब सब का है, सब का है है ठीक है अच्छा कोई क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देयर आर देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इफ हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इज 150 सेंटीमीटर व्हाट इज एवरेज हाइट तो क्या बोल दोगे 150 सेंटीमीटर तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही होगा ठीक है दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों सभी का समेसन ऑल वैल्यूज का समेसन क्या होता है एन इन टू एथमेटिक मीन सब का समेसन यह क्या समेसन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन समेसन ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू क्या ये प्रोडक्ट ये क्या है प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद एर्थमैटिक मीन ये मतलब है तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका मतलब क्या है अगर एन बराबर पांच है और मीन बराबर मान लो चालीस है तो सबका सब समयसन क्या होगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज सम ऑफ ऑल फाइव वैल्यूज जो पांच वैल्यूज हैं उसका समेसन क्या होगा आप क्या कहोगे एन इंटू एक्स बार पाँच इंटू चालीस कितना आ गया दो सौ कितना गया 200 तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का यूज क्या हो सकता है बच्चों इसका यूज ये हो सकता है मान लो कि कोई क्या कहा कि if n बराबर, बराबर मान लो ठीक है नाउ टू मोर वैल्यूज टू मोर वैल्यूज आर एडेड नाउ टू मोर वैल्यूज नाम दे देता हूँ उसका नाउ टू मोर वैल्यूज टू मोर वैल्यूज फिफ्टी एंड सिक्स आर एडेड तो देन, देन बताओ अब नया मीन क्या होगा न्यू मीन क्या होगा ऐसे क्वेश्चन अब क्या कहोगे अब क्या कहोगे अब पहले से दस वैल्यू है दो वैल्यू और मिला दिए तो ट्वेल्व वैल्यू हो गया तो क्या कहोगे टेन वैल्यूज टेन वैल्यूज।, वैल्यूज है ना बताओ टेन वैल्यूज का समेसन क्या होगा जो पहले से टेन वैल्यूज है उसका समेसन क्या होगा ये होगा एन इन में 80 दस इन में 80 मतलब 800 इसमें दो वैल्यू और प्लस कर दो पचास प्लस कर दो और क्या नाम है पैंसठ प्लस कर दोगे इसमें प्लस पचास प्लस पैंसठ प्लस कर दो तो ये क्या हो गया टू वैल्यूज टू मोर वैल्यूज प्लस कर दो दो वैल्यू इसमें आप और प्लस कर दो दो वैल्यू जिसमें आप और प्लस कर दो ये तो बताओ क्या आ गया ये आ गया सम ऑफ़ ट्वेल्व वैल्यूज बारह वैल्यू का समेसन कितना तो आठ सौ प्लस पचास प्लस पैंसठ इक्वल कितना गया? 915. तो आ गया नौ सौ पंद्रह तो बारह वैल्यू का समेसन आ गया नौ सौ पंद्रह तो बताओ मीन क्या होगा जो आपको मीन चाहिए नया मीन चाहिए 915 डिवाइड में 12 डिवाइड करो 12 से कितना आया 76.25 बहुत बढ़िया तो पहले निकाल दिया ठीक है प्रेम प्रेम बहुत पहले निकाल दिया था ठीक है लग रहा है मैं ज्यादा ज्यादा लिख रहा हूँ नहीं ज़्यादा लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें इतना कैलकुलेटर लो 800 प्लस 50 प्लस पैंसठ डिवाइड में बारह कर दो आ गया नहीं तो ऐसे लिखोगे तो टाइम लगेगा नहीं ओके तो बात समझ में आ गया दूसरा प्रॉपर्टी क्या है दूसरा प्रॉपर्टी यह समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद एथमेटिक मीन तीसरा प्रॉपर्टी क्या बचे सभी में से मीन माइनस करेंगे डेविएशन है उसको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा क्या बोलते हैं इसको सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो चौथा प्रॉपर्टी क्या है मीन से डेविएशन का स्क्वायर का समेशन क्या आता है लिस्ट होता है या मिनिमम होता है प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ हो गया ना ऑर्डर गड़बड़ हो गया बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो अब हमें क्या बताना है कंबाइंड मीन क्या बताना है कंबाइंड मीन इसको हम क्या बोलते हैं कंबाइंड मीन को क्या बोलते हैं पुल्ड मीन और क्या बोलते हैं डिजरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हमारा इच्छा है कि हम दो अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करके और उसका कंबाइंड मीन निकाल दें किशन uh, कुमार क्या बोला है सर मैं हमेशा मिनट मिनट मिस्टेक कर दे रहा हूँ मिनट मिनट का मिस्टेक मतलब मिनट मिस्टेक मतलब माइनर मिस्टेक ओके कंबाइंड मीन पुल्ड मीन या डिजरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या बताया गया जी पहला ग्रुप है पहला ग्रुप है जिसमें मान लो पांच आदमी है और उसका मीन कितना है पहला मीन कितना है दस एक दूसरा ग्रुप है जिसका मीन जिसमें कितने लोग हैं मान लो इसमें कितने लोग हैं आठ आदमी है और उसका मीन कितना है तो उसका मीन है बारह दोनों को हम कंबाइन कर देंगे कंबाइन कर देंगे तो कंबाइंड मीन क्या होगा कंबाइंड मीन क्या होगा तो सबका जोड़ क्या करोगे एन वन एक्स वन बार पहला ग्रुप का जोड़ एन टू एक्स टू बार दूसरा ग्रुप का समेसन जोड़ दो कंबाइंड समेसन कंबाइंड समेसन आ गया और उसको कम्बाइंड नंबर से डिवाइड कर दो कम्बाइंड नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या करोगे एन वन एक्स वन बार 96, का मल्टीप्लाई पचास मल्टीप्लाई करो दूसरा ग्रुप का समय दोनों को जोड़ दो कम्बाइंड समय डिवाइड करो कम्बाइंड नंबर से पांच और आठ का जोड़ कम्बाइंड नंबर हो गया तेरह तो ऊपर क्या हो गया नाइन्टी सिक्स प्लस पचास इक्वल वन फोर्टी सिक्स डिवाइड कर दो तेरह से आंसर तो मिला

और फीमेल का सैलरी दस हजार है ओके हो नहीं ऐसा करो मेल का है मेल का है पंद्रह हजार इसका है पंद्रह हजार और कंबाइन कंबाइन मतलब ऑल इंप्लाइज कंबाइन कर दो मेल फीमेल कर दो तो ऑल इंप्लाइज जो ऑल इंप्लाइज है इसका सैलरी कितना है बीच में लो बीच में होगा ये दोनों के बीच में होगा कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ मेल एवरेज कंबाइंड स्टैंडर्ड आता है पेपर में नहीं प्रेम कुमार कंबाइंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन पेपर में नहीं आता है लेकिन मैंने क्लास में बता दिया था क्लास में बता दिया था टाइम लगता है इस बार भी बता दूंगा एक बार रिविजन बता देंगे तो ऑल इम्प्लायज का जो है कंबाइंड सैलरी कितना है बारह ये दिया हुआ है ऑल इम्प्लॉयज मतलब कंबाइंड मेल फीमेल मिला के तो आपसे क्या पूछा फाइन करो परसेंटेज मेल कितना है परसेंटेज मेल कितना है तो मैंने क्या कहा था ऐसे अगर तीन फिगर दिया हो ना तो शॉर्टकट है मेल का दिया है फीमेल दिया है रेशियो बताया था कंबाइंड भी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे मेल फीमेल का रेशियो निकालेंगे कैसे तो मेल पहले है फीमेल बाद में है सेकेंड है तो सेकेंड का डिफरेंस पहले निकालेंगे दस हजार का डिफरेंस दो पहले आएगा और बारह और पंद्रह का डिफरेंस हजार बाद में जाएगा तो एक तरह से हमें पता चल गया कि मेल और फीमेल का रेशियो आया टू इंस टू थ्री टू, टू इंसू थ्री तो, तो आप बताओ परसेंटेज ऑफ मेल क्या होगा तो होगा तो ये मेल डिवाइड में टोटल मेल कितना है दो और टोटल कितना है दो और तीन पांच तो पांच में दो मेल है तो कितना परसेंट हुआ ये निकालोगे तो कितना आएगा फोर्टी तो परसेंट ऐसा क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया बहुत बार इसको ध्यान रखना ठीक है इसको ध्यान रखना अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चे छठा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स प्रॉपर्टी नंबर क्या आता है? ये आता है यहां पर फिलहाल ये, ये प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं रिलेशन यार लिखते लिखते हार दुख रहा है लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी ये है लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी अब ये प्रॉपर्टी जो बेसिकली किसका है तो मैं जो बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टी है मीन खाली ये मीन का नहीं है वैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ाई कर रहे हैं मीन का ये प्रॉपर्टी है मीन मीडियन एंड मॉड ये तीनों का प्रॉपर्टी है मीन मीडियम मोड जैसे ये मीन में अप्लाई होगा प्रॉपर्टी वैसे ही मीडियम में अप्लाई होगा वैसे ही मोड में भी अप्लाई होगा मीन मीडियम सब में अप्लाई होता है तो ऑरिजिन और स्केल का मतलब क्या है देखो अगर आप प्लस माइनस जितने भी वैल्यूज हैं जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं सब में अगर आप प्लस माइनस कर दो कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये चेंज हो गया ठीक है पहले कुछ था मान लो कि पहले था ओल्ड ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस कोई कॉन्स्टेंट कर दो ये चेंज हो जाएगा तो इसको बोलते हैं ऑरिजिन का चेंज इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे चेंज ऑफ ऑरिजिन और जितने भी ऑब्जर्वेशन है जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कॉन्स्टेंट से तो ये कहलाता चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ स्केल हाँ चेंज ऑफ स्केल में एक और चीज आता है ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कॉन्स्टेंट से तो स्केल में आता है हाँ इसमें अगर आप प्लस माइनस करोगे ना परसेंटेज परसेंटेज प्लस माइनस करोगे तो ये भी चेंज ऑफ स्केल कहलाता है दस परसेंट बढ़ा दो सबको दस परसेंट घटा दो तो ये ऑर्जिन नहीं है परसेंटेज में इनकी डिक्रीज और मल्टीप्लाई डिवाइड का इंपैक्ट आता है ठीक है कांस्टेंट प्लस माइनस करोगे तो ऑर्िजिन का चेंज कराएगा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे स्केल कर आएगा परसेंटेज में प्लस माइनस करोगे तो स्केल का आएगा अब देखो ये मीन मीडियन मोड तीनों औरजिन और स्केल दोनों से इफेक्टेड होता है दोनों से ही ये सब इफेक्टेड होता है कोई एक एग्जाम्पल देख लीजिए अगर मान लो एक्स का मीन कितना है पचास तो कोई पूछा बताओ एक्स प्लस टू का मीन क्या होगा ये क्या होगा तो जो एक्स का मीन है वो दो बढ़ जाएगा आंसर फिफ्टी टू आएगा मतलब एक्स का मीन पचास है सुनो एक्स का मीन क्या है पचास है तो हम सब में दो प्लस कर देंगे तो है एक्स का मीन है ना वो पांच कम हो जाएगा पैंतालीस हो जाएगा ऑरिजिन का इम्पैक्ट ये ऑरिजिन हो गया ये क्या हो गया चेंज ऑफ ऑरिजिन तो चेंज ऑफ ऑरिजिन से भी ये इफेक्टेड होता है ये देखो ठीक है अच्छा सब को दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एथमेटिक मेन दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये स्केल हो गया एक सौ हो जाएगा सबको आप पाँच से डिवाइड कर दोगे तो एथमेटिक मेन पाँच से डिवाइड हो जाएगा तो ये पचास को डिवाइड करोगे पाँच से तो दस होगा ये स्केल का चेंज कहलाएगा और ये चेंज क्या कहलाएगा ये औरजिन का चेंज कहलाएगा ठीक है ये औरजिन का चेंज कहलाएगा तो एथेमेटिक मीन ऑरिजिन से भी इफेक्ट होता है स्केल से भी इफेक्ट होता है कैसे तो एज इट इज प्लस तो प्लस हो जाएगा माइनस तो माइनस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो डिवाइड और अगर आप दोनों काम कर दो स्केल का भी चेंज कर दो ऑरिजिन का भी चेंज कर दो एक्स को दो से मल्टीप्लाई कर दो स्केल है प्लस पाँच कर दो तो कोई पूछे बताओ इसका एथमेटिक मीन क्या होगा तो क्या कहोगे तो एक्स का मीन का दो से मल्टीप्लाई और प्लस पाँच होगा पचास इंटू में दो एक सौ में पाँच प्लस करेंगे तो ये आंसर एक सौ पाँच हो जाएगा तो जैसे आपको मैंने मीन के लिए बताया बिल्कुल ऐसे ही मीडियम में अप्लाई होता है बिल्कुल ऐसे ही ये मोड में भी अप्लाई होता है बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई हो होगा मीडियम में भी और ऐसे अप्लाई होगा मोड में भी तो देखो बच्चे यहां पर बात करते हैं आ, ऐसे कि कभी कभी क्या होता है लोग इसको क्या बोलते हैं वाई मान लेते हैं क्या मान लेते हैं इसको वाई तो फिर ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा वाई का मीन अब वाई का मीन कितना आ गया एक सौ आ गया कहने का मतलब इसी प्रॉपर्टी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि अगर वाई बराबर वाई बराबर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर बराबर इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर रिलेशन ये क्या लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ठीक है अब ये लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बना कैसे x को b से मल्टीप्लाई किया b क्या है स्केल यहाँ b क्या है मल्टीप्लाई किया तो स्केल उसमें a प्लस कर दिया a प्लस कर दिया तो a क्या चीज है ऑरिजिन a क्या चीज है origin a plus कर दिया, तो उस उससे क्या मिला हमें उससे हमें y मिला तो x को b से मल्टीप्लाई किया स्केल हो गया प्लस किया a एरिजिन हो गया तो y मिला तो कोई पूछेगा बताओ y का मीन क्या होगा क्या कहोग प्लस बी एक्स मीन एक्स मीन को बीस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जैसे ये हुआ था मीन का दो से मल्टीप्लाई किया प्लस पांच तो ये प्रॉपर्टी खाली मीन का नहीं है ये मीडियन का, का भी है तो क्या कहोगे ए प्लस बी मीडियन ऑफ एक्स या कोई पूछे मोड वाई का मोड क्या होगा तो क्या कहोगे ए प्लस बी मोड ऑफ एक्स ऐसे तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी जैसा लीनियर रिलेशन एक्स वाई में होगा जैसा लीनियर रिलेशन एक्स वाई में होगा बिल्कुल वैसा ही लीनियर रिलेशन उसके मीन में होगा उसके मीडियन में होगा उसके मोड में, में होगा तो मीन मीडियन मोड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है मतलब एक्स का मीडियन बारह है तो कोई पूछेगा एक्स प्लस थ्री का मीडियन क्या होगा तो भाई बारह में तीन जोड़ दो पंद्रह जैसे हमने बताया था तो कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है देखो एक्स का मीन कितना दिया मीडियन मीन के जगह अब क्या करो मीडियम मान के चलो मान लो लिखा हुआ एम ई मीडियन ऑफ एक्स इक्वल टू पंद्रह एंड ऐसे लिख दिया एंड एक्स कॉमा वाई आर रिलेटेड एज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो ऐसे दे दिया एक्स का दे दिया मीडियन एक्स वाई में क्या दे दिया है रिलेशन दे दिया तो पूछेगा बताओ देन मीडियन ऑफ वाई कितना होगा तो प्रॉपर्टी क्या बता रहा है मल्टीप्लाई स्केल है मल्टीप्लाई स्केल है माइनस में साठ ऑरिजिन मोड के ऊपर दोनों का इंपैक्ट आता है मीन मीडियन मॉड आर इफेक्टेड बाय बोथ ऑरिजिन स्केल तो बताओ इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जैसा रिलेशन एक्स वाई में लीनियर है बिल्कुल वैसा ही रिलेशन उसके मीडियन में भी होगा टू इंटू मीडियन ऑफ एक्स प्लस थ्री इंटू मीडियन ऑफ वाई माइनस में सिक्सटी टू जीरो बस जहाँ जहाँ एक्स वाई है टू इंटू में पंद्रह प्लस थ्री इंटू में मीडियन ऑफ वाई माइनस में साठ इक्वल टू जीरो तो ये हो गया पंद्रह दोनों तो तीस तीस में से साठ माइनस करेंगे तो माइनस तीस और उधर गया तो हो गया तीस थ्री इंटू मीडियन ऑफ वाई कितना हो गया तीस तो बताओ वाई का मीडियन कितना हो गया दस ठीक है बच्चों एग्जांपल समझ में आ गया बताओ एग्जांपल समझ में आ गया तो छठा प्रॉपर्टी मीन का भी है मीडियन का भी है मॉड का भी है मीन मीडियन मोड ऑल थ्री आर इफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल और कैसे तो आपके सामने एग्जांपल है जैसे मैंने एग्जांपल मीन का दिया मीडियन का दिया मॉड का नहीं लिखा मैंने लेकिन मॉड का बेसिक एग्जाम्पल समझ लो एज इट इज तो ये सब सबसे इफेक्टेड होता है तो ये मैंने आपको बता दिया एथमेटिक मीन का कैलकुलेशन और उसका प्रॉपर्टीज अब देखो ज्योमेट्रिक मीन जोमेट्रिक मीन क्या होता है तो ज्योमेटिक मीन का डिफिनेशन है कि एन ऑब्जर्वेशन है मान लो अगर x बराबर x बराबर एन ऑब्जर्वेशन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट कितना एक्शन अगर एन ऑब्जर्वेशन है तो उसका मीन क्या होगा तो सबका और सब उसका कौन सा रूट उसका nth root. N observation है, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा तो प्रोडक्ट रूट अगर मान लो दो ही वैल्यू है कोई पूछे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कितना फोर कॉमा नाइन तो क्या कहोगे दोनों का मल्टीप्लाई करो दो ही नंबर है और उसका स्क्वायर रूट वन बाई टू दो ही नंबर है ना एन बराबर टू है तो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट छत्तीस का रूट कितना होगा छः पूछ लिया आपसे बताओ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू फोर एट क्या हो कितने नंबर है तीन नंबर है तो क्या कहोगे तीनों का मल्टीप्लाई और उसका कौन सा रूट क्यूब रूट एन बराबर थ्री है तो वन बाय थ्री क्यूब रूट बताओ सिक्सटी फोर का क्यूब रूट सिक्सटी फोर का क्यूब रूट क्या होगा तो चार का क्यूब होगा थ्री कट गया तो क्या आएगा आंसर चार हो गया तो इस तरह से बच्चों ज्योमेट्रिक मिन निकल के आता है हाँ ध्यान रखे ध्यान रहे अगर कोई वैल्यू निगेटिव है और जीरो है तो इस केस में इस केस में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं होता है ठीक है मतलब जी एज नॉट सुटेबल नॉट सुटेबल आपको क्या सर निकल तो गया दो बार मानाफा निकल गया लेकिन वो सही नहीं होता वो मिसलीडिंग एवरेज होता है इसी लिए अगर निगेटिव वैल्यूज हो जीरो वैल्यूज हो कोई भी एक भी जीरो वैल्यू हो तो जोमेटिक में तो जीरो आ गया बट उस केस में हम लोग सुटेबल एवरेज नहीं मानते जैसे एवरेज प्रोफिट के लिए जैसे एवरेज प्रोफिट के लिए एफ देर इज प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहा है तो जीएम इज नॉट सुटेबल जीएम इज नॉट सुटेबल ठीक है क्योंकि तो जीएम निकाले जीएम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और हमेशा क्या बताएगा हो कि भाई इंप्रूवमेंट ही है अच्छा ही है पॉजिटिव ही है बट निगेटिव को रिफ्लेक्ट जीएम नहीं कर पाएगा इसीलिए निगेटिव हो या जीएम हो जीरो हो तो वहां पर एवरेज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन से नहीं निकालते फिर किसे निकालते हैं ए एम इज सुटेबल एथमेटिक मीन इज सुटेबल

एथमेटिक मीन इज मोस्ट ओके तो अब देखो इसका प्रॉपर्टीज आपके पास बुक होगा बुक में आप देखेंगे तो जीएम भी दस होगा ठीक है दूसरा प्रॉपर्टी क्या है देखो अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन एक्स वाई का मल्टीप्लाई का निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई ऐसे निकाल दो मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है इसी हिसाब से अगर आपको तीसरा प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन निकालना डिवाइड में वाई दो चीज डिवाइड में है तो इसमें क्या करोगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स डिड में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई ऐसे डिवाइड कर दो पहला प्रॉपर्टी क्या है कॉन्स्टेंट का ज्योमेट्रिक मीन सब सब दो के इक्वल है तो सब दो के इक्वल है तो दो का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा दो ही होगा ये मतलब है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दीजिए डिवाइड है दो डिवाइड में ब्रेक कर दीजिए जैसे मान लो किसी ने क्या कहा ये देखो ज्योमेट्रिक मीन एक्स का दिया हुआ है पाँच ज्योमेट्रिक मीन वाई का दिया हुआ मान लो कितना आठ तो आपसे पूछा आपसे पूछा गया बताओ ज्योमेट्रिक मीन टू एक्स डिवाइड में वाई कितना होगा तो आप क्या कहोगे डिवाइड है तो डिवाइड कर देते हैं ऐसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू एक्स डिवाइड में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई y का ज्योमेट्रिक में कितना दिया 8 नीचे लिखो ऊपर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में लिखो g ऑफ of 2 into ज्योमेटिक मीन ऑफ x मतलब दो का g m कितना होगा दो होगा x का g m दिया अब कितना पाँच कितना का आंसर 10 बट्टा 8 10 बट्टा 8 कितना होगा one point two five ज्योमेटिक मीन हो गया देखो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है x का जी दिया है y का जी दिया पूछा एक्स का जी कितना होगा तो डिवाइड तो है तो डिवाइड में लिख दिया मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में लिख दिया ऑपरेशन हो गया बन गया कोई दिक्कत नहीं इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपको बस थोटकली याद रखना है कंबाइंड ज्योमेट्रिक में निकलता है कि नहीं यस निकलता है बिल्कुल निकलता है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मेन बिल्कुल निकलता है और पाँचवा पॉइंट क्या रखना है लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मेन किसकी कल होता है तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका लॉग वैल्यू को जोड़ के एन से डिवाइड इसको हम क्या बोलते हैं मीन मीन ऑफ ऑफ लॉग लॉग ऑल ऑल वैल्यूज वैल्यूज ज्योमेट्रिक का क्या होता है? तो होता है है तो ये सिग्मा लॉग एक्स बाई एन जितने भी एक्स है सबका लॉग वैल्यू को जोड़ के एन से डिवाइड कर दो तो किसी चीज को हम जोड़ के एन से डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको एर्थमेटिक मीन किसका एथेमेटिक मीन तो लॉग ऑफ ऑल वैल्यूज का एर्थमेटिक मीन जितने वैल्यू हैं उसके लॉग वैल्यूज का एथमैटिक मीन मतलब तो उसके लॉग वैल्यू निकालेंगे उसको जोर कर देंगे। तो पॉइंट भी है ठीक है यहाँ पर, दे दे। पर, दे दे। तो पर ये ए एम होगा तो जोमेटिक मीन के ये पांच प्रॉपर्टी है इसको याद रखना है अब आ जाओ बच्चे हारमोनिक मीन हारमोनिक मीन में क्या डिफिनेशन है तो हारमोनिक मीन क्या होता है ये होता है एन ऑब्जर्वेशन का हारमोनिक मीन क्या होता है तो ऊपर क्या होगा एन और नीचे क्या होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब ये हुआ अगर इंडिविजुअल सीरीज है ठीक है इंडिविजुअल के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ऊपर हो गया एन अन, और नीचे क्या होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल एक्स को उल्टा कर दो वन बाई एक्स को उल्टा कर दो वन बाई रेसिप्रोकल हो गया उसका समयन ऐसे निकालोगे आप हारमोनिक मीन जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई पूछ लिया आपसे हारमोनिक मीन ऑफ ट्वेंटी एंड फोर्टी क्या होगा तो क्या कहोगे दो वैल्यू है इसका हारमोनिक मीन क्या होगा अब क्या कहोगे तो ऊपर हो गया टू और नीचे होगा सम ऑफ रेसी प्रोकल्स वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई फोर्टी ऐसे वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई फोर्टी ऊपर आ गया टू नीचे क्या करो एल्शियम ले लो, एल्शियम कितना होगा चालीस बीफ दूनी चालीस यहाँ वन होगा चालीस गया ऊपर एट्टी एट्टी बाई थ्री ये आपका हारमोनिक मीन है अब एट्टी बाई थ्री करो या मत करो जैसे भी ऑप्शन हो आप देख लेना ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पूछा गया आपसे बताइए हारमोनिक मीन ऑफ हारमोनिक मीन ऑफ टेन ट्वेंटी थर्टी क्या होगा अब बताओ यहाँ पर कितने वैल्यू है

तो टेन सिक्स जा और 23 जा सिक्सटी और थर्टी टू जा 60, ये चला गया, एक सौ अस्सी छो दो ग्यारह तो कितना गया आंसर देखो एक सौ अस्सी डिवाइड में ग्यारह पॉइंट में लिखना है तो लिख लो आंसर इज सिक्सटीन पॉइंट थ्री सिक्स ठीक है ये हो गया अच्छा अब देखो अगर कोई वैल्यू भी जीरो एनी वैल्यू जीरो एनी वैल्यू इज जीरो तो क्या होगा एच एम इज नॉट डिफाइंड जब जीरो है तो एच एम डिफाइंड नहीं हो क्यों वन बाय जीरो जीरो का नीचे क्या आता सम ऑफ रेसिप्रोकल अगर कहीं पर जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल वन बाय जीरो क्या होगा अनडिफाइंड तो एनी वैल्यू इज जीरो एच एम इज नॉट डिफाइंड ये डिफाइंड नहीं होगा आपको ये चीज याद रखना है ठीक बात है प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है कि हारमोनिक मीन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं तो इसके बच्चे सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है पहला प्रॉपर्टी वही है हारमोनिक मीन अगर सब कांस्टेंट है सब पाँच के इक्वल है तो बताओ हारमोनिक मीन ऑफ एक्स कितना होगा पाँच ही होगा पहला प्रॉपर्टी वही है जो मैं आपको बहुत पहले बता दिया था और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कम्बाइंड हारमोनिक मीन जैसे कम्बाइंड ए होता है एग्जाम्पल देखा कंबाइंड जी होता है एग्जाम्पल नहीं देखना आपको बस याद रखना है कम्बाइंड एच एम होता है तो यस होता है इसका एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल है मान लो एक ग्रुप में पांच आदमी है और इसका हारमोनिक मीन पच्चीस है दूसरा ग्रुप में सात आदमी है और उसका हारमोनिक मीन थर्टी फाइव है हम दोनों ग्रुप को कंबाइन कर देंगे दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसका हारमोनिक मीन एच टूवेल्व एच का मतलब हारमोनिक मीन कंबाइन क्या होगा तो फार्मूला होता है इसका ऊपर होगा एन का जोड़ ऊपर होगा का जो, जो नीचे होगा रेसिप्रोकल का समय तो का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल और एन के साथ में एच का रेसिप्रोकल का सम ऐसे आप यहाँ पर रख दोगे तो कम्बाइंड हारमोनिक तो कंबाइंड ए होता है कंबाइंड जीएम होता है कंबाइंड एच होता है इसको क्या बोलते हैं इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हमारी इच्छा है कि हम दो अलग अलग ग्रुप को तीन अलग ग्रुप को कंबाइन करके उसका हम एक स्टैंड मेजरमेंट कर ले तो किसका संभव है उसको संभव है एएम जी एम एच एम का ही संभव है बिकॉज दिस थ्री एवरेज आर कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेज इसीलिए कंबाइन करने का मतलब क्या एक है एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ये कहलाता है डिजरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी तो चलो एन वन प्लस एन टू पांच प्लस सात बारह नीचे क्या आएगा एन वन पाँच बटा पच्चीस और ये आएगा सात बटा पैंतीस तो बताओ ऊपर हो गया ट्वेल्व नीचे हो गया पाँच बटा पच्चीस एक बटा पाँच सात बटा पैंतीस एक बटा पाँच ऊपर है बारह एक बटा पाँच प्लस एक बटा पाँच दो बटा पाँच ये पाँच गया ऊपर साठ डिवाइड में टू आंसर एज थर्टी आंसर आंसरेज थर्टी तो इस तरह से ये आपका दो प्रॉपर्टी हो गया ठीक है ए एम जोमेट्रिक मीन का ठीक है अब हमें क्या बताना बच्चे देखो अब हमें बताना है यहाँ पर रिलेशन यहां बताना है रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम इसके बीच का रिलेशन है तो पहला रिलेशन क्या है ये रिलेशन ऐसा होता है एथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू जी एम मोर देन इक्वल टू एच एम इन जनरल ये होता है इन इन जनरल ये होता है इन जनरल एथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू जोमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल हार्मोनिक मीन अब इसमें दो चीज है एक है मोर देन एक है इक्वल टू तो एक है मोर देन एक है इक्वल टू एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम तो ये कब होता है ऐसा कब होगा तो फॉर इक्वल वैल्यूज क्या होगा फॉर इक्वल वैल्यूज अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव है और इक्वल है सब पांच के इक्वल है तो एएम 5 जीएम 5 एचएम HM 5 तब ये इक्वल होगा और एएम मोर देन जीएम मोर देन एच एम ये कब होगा तो फोर अन एक वैल्यूज फोर अन एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है तो ऐसा होगा मोर देन वाला होगा तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछा है कि वैल्यूज आर डिफरेंट वैल्यूज आर डिफरेंट तो एम जी एम एच एम रिलेशन क्या होगा तो फिर तो आपको आंसर ऐसे बोलना होगा ऐसे बोलना होगा लेकिन कुछ नहीं बोला है कि वैल्यूज इक्वल है कि अनइक्वल है अब फिर पूछे ए एम जीएमएचए में रेशन कैसा है तो फिर आपको ऐसा बोलना होगा ठीक है ओके okay. दूसरा क्या है रिलेशन है ए एम जीएमएचए में फॉर ओनली टू पॉजिटिव वैल्यूज मान लो एक्स एंड वाई सिर्फ कोई दो ही पॉजिटिव वैल्यूज है सिर्फ दो पॉजिटिव वैल्यूज है एक्स और वाई ठीक है सिर्फ दो ही पॉजिटिव वैल्यू है एक्स और वाई तो आपको मालूम होना चाहिए उसका ए एम क्या होगा एक्स प्लस वाई बाई टू जी एम क्या होगा एक्स वाई का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट यहाँ से आप क्या करो जी एम का स्क्वायरिंग करोगे बोर्ड साइड तो क्या मिलेगा एक्स वाई और एच HM एम क्या होता है टू बाई रेशी प्रोकल का सम इसको ठीक करोगे तो एक्स वाई का ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा टू एक्स वाई डिवाइड में एक्स प्लस वाई तो ध्यान पर देखो दो नंबर का ए एम क्या होगा एक्स वाई दो नंबर है तो ए एम होगा एक्स वाई का जोड़ बाई टू जी एम होगा एक्स वाई का मल्टीप्लाई का रूट एच एम क्या होगा टू एक्स वाई डिवाइड में एक्स प्लस वाई अब हम इसके बीच में अगर रेशन चाहिए तो आप क्या करो ए एम को और एच एम को मल्टीप्लाई करो ऐसे मल्टीप्लाई करो ए एम मल्टीप्लाई करो एच एम ए एम कितना एक्स प्लस वाई बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे एच HM एम से तो टू एक्स वाई डिवाइड में एक्स प्लस वाई एक्स वाई एक्स वाई कट गया टू से टू कट गया क्या बचा एक्स वाई और एक्स वाई किसके इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर की इक्वल है ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर तो बताओ रिलेशन क्या मिला ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा एथमेटिक मीन इंटू हारमोनिक मीन ये एक नया रिलेशन बन गया जीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इन टू एच एम ये किसके लिए होगा सिर्फ दो वैल्यूज के लिए और दोनों चाहिए? पॉजिटिव तभी तो निकलेगा GM। तो फोर टू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रिलेशन होता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम्पल देखो अगर लिखा हुआ एग्जाम्पल में एफ ए एम इज दस ठीक है जीएम इज आठ तो बताओ एच एम क्या होगा इट इज गिवेन दैट या एक मिनट को ना इज दिस दिस फॉर टू वैल्यूज एम इज एट जी एम इज एट फॉर टू पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव नहीं भी लिखा हो तब भी आप पॉजिटिव मांग चलना ये होता है अब फिर पूछेगा बताओ एच एम क्या होगा तो बताओ बच्चे क्या करोगे इसमें रख दोगे ना इसमें रख दो एच HM एम क्या होगा बताओ एच हो, एम HM होगा जी एम का स्क्वायर डिवाइड में ए एम यहाँ देखो यहाँ से एच HM एम क्या होगा एच एम तो जी एम का स्क्वायर डिवाइड में ए एम जी एम कितना दिया आठ का स्क्वायर डिवाइड में दस सिक्सटी फोर डिवाइड में दस आंसर इज सिक्स पॉइंट फोर आंसर इज सिक्स पॉइंट तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप एग्जाम्पल बताना और ध्यान पर देखो यहाँ से देखना एक चीज़ और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ एक्स वाई का जोड़ कितना होगा टू इन टू एर्थमेटिक मीन ध्यान पर देखो दो नंबर का एर्थमेटिक मीन को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा नंबर का जोड़ दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा नंबर का प्रोडक्ट ध्यान पर देखना जी का स्क्वायर प्रोडक्ट होता है ए एम का डबल सम होता है तो हम बात करें अगर इसमें आपको ध्यान से इस चीज को दिमाग में रखना है कि दो नंबर के लिए फॉर टू नंबर्स फॉर टू नंबर्स क्या होता है ए एम को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आता है और जी एम का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है प्रोडक्ट आता है तो चलो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन बताओ टू नंबर्स ठीक है फॉर टू नंबर्स एथमेटिक मैनेज सिक्स पॉइंट फाइव जोमेट्रिक मैनेज सिक्स देन देन बताओ टू नंबर आर वो दो नंबर कौन कौन से मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप ऑप्शन से बताना ठीक है वो दो नंबर कौन से हैं? तो बताओ क्या होगा नंबर फोर कॉमा नाइन होगा या टू कॉमा एलेवन होगा या थ्री कॉमा टेन होगा या नान ऑफ चलो बच्चे काफी टाइम से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है एक रिप्लाई हो जाए बताओ क्या होगा ऑप्शन देख के और आंसर बता दो हमें इसका आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया रोहित शर्मा ने बता दिया है रोहित शर्मा का आंसर आ चुका है नाइन फोर हो चाहे फोर नाइन हो रोहित शर्मा सही है कोई दिक्कत नहीं है तो क्या होगा आंसर भाई हम क्या देखेंगे दो नंबर का एम अगर साढ़े छः है तो नंबर का सम क्या होगा तो टू इन टू एम साढ़े छः का डबल जोड़ होगा तेरह और नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा जी एम का स्क्वायर जी एम कितना छः छः का स्क्वायर छत्तीस प्रोडक्ट होगा छत्तीस और जोड़ होगा तेरह जोड़ होगा तेरह प्रोडक्ट होगा छत्तीस तो ऑप्शन कौन सा है कहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन ए गया आंसर सही है सभी लोगों ने आंसर दे दिया कहीं को दिक्कत नहीं है तो आप लोग बिल्कुल इन्वॉल्व है कहीं को दिक्कत नहीं है अब देखो यहाँ मैं बता रहा हूं यूज अब यहाँ बता रहे हैं अरे यार यूज ऑफ ए एम जी एम एच एम इसका यूज कब होता है तो देखो आपको मालूम होना चाहिए एथमेटिक मीन के बारे में कॉमनली यूज एवरेज दैट इज देशस्ट एवरेज जनरली मैं क्या बता रहा हूं यूज बता रहा क्वाडरिक इक्वेशन से भी तो कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब क्वार इक्वेशन से भी कर सकते हैं मैं क्या बता रहा सुनो यूज ऑफ ए एम जी एम एच एम ध्यान सुनना एथमेटिक मीन के बारे में बोल रहा हूँ इज कॉमनली यूज एवरेज कॉमनली मोस्ट कॉमन एवरेज कौन सा है ए एम बेस्ट एवरेज कौन सा है ए एम जनरली जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे निकालना हो एवरेज लेंथ ए एम से आएगा एवरेज प्रॉफिट ए एम से आएगा एवरेज मार्क्स ए एम से आएगा मैक्सिमम केस में ये होता है एवरेज वेट ए एम से आएगा एवरेज एज एम से आएगा ये सब में एथमेटिक मीन यूज होगा मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज यही होता है इसका यूज ऐसे होता है बट जी एम और एच एम रेयर केस में रेयर केस में जो होता है जीएम हम कहाँ यूज करते हैं एवरेज एवरेज रेट के लिए एवरेज रेट के लिए एच HM एम कहां यूज करते हैं एच HM एम का भी यूज होता है एवरेज रेट के लिए तो जीएम और एच HM एम यूज होता है एवरेज रेट निकालने के लिए लेकिन जीएम में कौन सा रेट रेट जब परसेंटेज वाला हो और एच HM एम में कौन सा रेट तो रेट हो ऐसा वाला पर यूनिट पर के जी पर आवर इस टाइप का जो रेट होता है प्राइस वाला रेट प्राइस वाला रेट या स्पीड वाला रेट वहां पर किसे निकलता है हारमोनिक मीन से तो बाकी चीज तो आप थ्योटिकली याद रखोगे जैसे मान लो कि आपको निकालना है एवरेज एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रीसिएशन एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जीएम से आएगा एवरेज, एवरेज ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट एक्सेट्रा तो ये जीएम से आएगा तो इसका थ्योटिकल क्वेश्चन ही याद रखना होगा आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही है बट हार्मोनिक मीन का एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल देख लो एक एग्जाम्पल है कि अगर आपसे पूछा कि ए बस ये एग्जाम्पल मेरे बुक में भी है ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ए टू बी किस स्पीड से ए टू बी एट स्पीड एट स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न रिटर्न एट स्पीड सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ठीक है ऐसे बस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न पूछा आपसे फाइंड एवरेज स्पीड फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड यहाँ पर ऐसा मत करना कि 40 को और 60 को जोड़ के दो से डिवाइड कर देना ये मत निकालना ये किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर एवरेज स्पीड किससे आएगा तो ये आएगा हार्मोनिक मीन से हार्मोनिक मीन ऑफ फोर्टी एंड सिक्सटी से आएगा और इसका हारमोनिक मीन कितना होगा तो ये दो नंबर है तो टू डिवाइड में टू डिवाइड में सम ऑफ रेसी प्रोकल्स तो ये क्या आएगा टू मल्टीप्लाई में फोर्टी मल्टीप्लाई में सिक्सटी डिवाइड में फोर्टी प्लस सिक्सटी टू एक्स वाई डिवाइड में एक्स प्लस वाई टू एक्स वाई डिवाइड में एक्स प्लस वाई तो देख लो कितना आएगा 48 आया और 48 किलोमीटर किलोमीटर बराबर तो ये ए एम जी एम एच एम का यूज कैसे करते हैं कब करते हैं ये उसका एग्जाम्पल है ठीक है बच्चों इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले हम लोग और बताते हैं ठीक है हम लोग एवरेज निकालते हैं ना खासकर एर्थमेटिक मीन एर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं चार नंबर है चारों को जोड़ दिया चार से डिवाइड तीन नंबर है तीनों को जोड़ दिया तीन से डिवाइड ऐसा क्यों करते हैं तो अगर तीन नंबर है तो हम ये मानते हैं कि पहला दूसरा तीसरा सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है सब का वेट बराबर है सब को हम एक एक मानते हैं इसीलिए उसको जोड़ के और तीन से डिवाइड करते हैं लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नहीं के बराबर ही पूछा है इसका नाम है वेटेड एर्थमेटिक मीन हम बात कर रहे हैं वेटेड एर्थमेटिक मीन का तो ये कब अप्लाई करते हैं कभी कभी क्या होता है तीन चार वैल्यू है और सबका वेट या इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होता है जैसे मैथ का ही पेपर है ठीक है देर आर सम वैल्यूज देर आर सम वैल्यूज़ विद विद डिफरेंट वेट विद डिफरेंट वेट या इंपोर्टेंस उसका वेट डिफरेंट है या इंपोर्टेंस डिफरेंट है देर आर सम वैल्यूज विद डिफरेंट वेट या इम्पोर्टेंस देन देन वेटेड वेटेड एवरेज इज

सम ऑफ वेट से डिवाइड कर देते हैं वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है तो देखो ये एक्स बार हो गया मीन डब्ल्यू मतलब वेटेड क्या होता है सिग्मा सिग्मा वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड वेट वेट एंड एंड देन एडेड डिवाइडेड सम ऑफ इज कॉल्ड वेटेड मीन तो वेटेड मीन कब निकलता है जब कुछ वैल्यूज हो और उसका वेट अलग अलग हो तभी निकलता है वेट अगर इक्वल है तो वेटेड मीन में, में और सिंपल मीन में, में कोई अंतर नहीं होगा सिंपल मीन जो हम लोग निकालते हैं अनवेटेड भी बोल सकते हैं तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या देखो सबसे बड़ी बात है हम वेटेड मीन कब निकालेंगे जब वेट इक्वल हो या अनिकवल हो डिफरेंट डिफरेंट वेट 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 हो 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 इक्वल नहीं हो तब निकालते हैं वेटेड मीन अगर वेट या इंपोर्टेंस इक्वल है तो आप वेटेड मीन निकालो या सिंपल मीन निकालो दोनों आंसर सेम आएगा तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या मान लो सीयू फाउंडेशन में आपका जो पेपर थ्री है पेपर थ्री है सी ओ फाउंडेशन उसमें तीन पार्ट है ए बी और सी तीन पार्ट है मैथ रीजनिंग स्टेट और किसी स्टूडेंट का एक्स क्या है किसी स्टूडेंट का एक्स क्या है तो यहाँ पर उसको मान लो थर्टी फाइव नंबर मिला यहाँ पर अठारह मिला यहाँ पर थर्टी एट नंबर मिला ये x है x क्या चीज है मार्क्स ऑफ टेंट एक्स इज x इज मार्क्स ऑफ टेंट यहां पर मैंने लिख दिया कि x इज मार्क्स पेपर में क्या क्या नंबर मिला x मार्क्स ऑफ टेंट है तो क्वेश्चन पूछा फाइंड एवरेज मार्क्स फाइंड एवरेज मार्क्स तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको साफ दिख रहा है ना कि भाई ए बी सी उसका ये मार्क्स ऑफ है उसका ये मार्क्स ऑफ है तो अरे यार इसका स्विच कहाँ है ये लगाने के बाद भी कहाँ? इसका स्विच तो करो बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है कहाँ है स्विच लगा दिए उधर देखो उधर देखो हाँ 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 ठीक है आ गया तो आपसे पूछा कि एवरेज मार्क्स निकालो एवरेज मार्क्स तो क्या पेपर में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी का इम्पोर्टेंस इक्वल है नहीं बताओ पेपर वन का इंपॉर्टेंस है चालीस इसका इंपॉर्टेंस है बीस इसका है चालीस ये वेट कहलाता है वेट तो ये एक्चुअल वेट है एक्चुअल वेट है आप दफ इसमें से क्या करो रेशियो भी ले सकते हो आप रेशियो भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वेट ऐसा ले लो अच्छा वेट ऐसा ले लो क्या था कितना होगा दो एक दो ऐसे ले लो तभी आंसर सेम ही आया कोई दिक्कत नहीं है इसका वेट टू है इसका वेट वन है इसका वेट टू है तो ये हो गया एक्चुअल वेट कैसा है ये एक्चुअल ये क्या रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे केसेज में अगर आपसे एवरेज पूछा है अगर आपसे एवरेज पूछा है तो एवरेज सिंपल नहीं होगा कि आप तीनों को तीनों को जोड़ के तीन से डिवाइड कर दोगे ऐसा नहीं होगा क्या करना होगा वेरिएबल को वेट से इंटू करना होगा इंटू करो ये इसको हटा देते हैं हम लोग रेशियो लेके चलते हैं रेशियो पैंतीस का दो से इंटू सत्तर अठारह का दो एक से इंटू अठारह अड़तीस का दो से इंटू सेवेंटी सिक्स इसको जोड़ लो सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितना होगा ये होगा सेवेंटी प्लस अठारह प्लस सेवेंटी सिक्स इक्वल में वन सिक्सटी फोर वन सिक्सटी फोर और बताओ वेट का टोटल यहाँ से वेट का टोटल ये यह निकालें यहाँ से वेट का कितना होगा पाँच दो एक तीन तीन दो पाँच तो बच्चों यहाँ पर जो मीन निकलेगा वो निकलेगा वेटेड मीन एक सौ चौंसठ डिवाइड में पाँच एक सौ चौंसठ डिवाइड में पाँच डिवाइड में पाँच बत्तीस पॉइंट आठ आ रहा हाँ। है ना हाँ ये आ रहा है बत्तीस पॉइंट आठ ये कहलाता है वेटेड एवरेज तो कभी एक्स दिया हो और वेट दिया हो और एवरेज पूछे तो वेटेड एवरेज ही निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे

दस मिनट के बाद फिर करते हैं ठीक है